से कोई प्रॉक्सी के थ्रू मेरे नेटवर्क पे एक्सेस कर रहा है तो क्या सॉल्यूशन? तो फिर मुझे उसके सिस्टम पे जाके मैन्युअली उस वेबसाइट को ब्लॉक करना होगा। अगर मैं इस वेबसाइट को अपने लैपटॉप पे ब्लॉक कर दूं तो फिर आप कितनी भी प्रॉक्सियां लगा लीजिए, जब एक वेबसाइट मेरे सिस्टम पे ही ब्लॉक है तो वो किसी प्रॉक्सी से नहीं हट सकती। तो हाउ टू ब्लॉक ए वेबसाइट इन ए सिस्टम, एक सिस्टम पे कैसे वेबसाइट को ब्लॉक कर। क्या पासवर्ड था एक बार बताना सर? आर सबको पता है #@@#। छोड़िए सर, वेबसाइट कैसे ब्लॉक करते हैं? गो टू माई कंप्यूटर, गो टू सी ड्राइव, गो टू विंडोज, गो टू सिस्टम 32। गो टू ड्राइवर्स, गो टू ETC, गो टू होस्ट 5। सर एड्रेस बार पे पूरा पार्ट लिखा हुआ है, प्लीज नहीं दिखाई दे रहा, मैं बताता हूं। सी ड्राइव के अंदर विंडोज, विंडोज के अंदर सिस्टम 32, सिस्टम 32 के अंदर ड्राइवर्स, ड्राइवर्स के अंदर ETC और ETC के अंदर है होस्ट 5, HOSTS। होस्ट फाइल को ओपन करते हैं नोटपैड के अंदर, क्योंकि जिस फाइल के पीछे कोई एक्सटेंशन नहीं होता उन्हें हम नोटपैड में ओपन करते हैं। आप देखेंगे कि मैंने यहां पर बहुत सारी वेबसाइटें ऑलरेडी ब्लॉक की हुई हैं। कोई बताएगा आप में से ये किस चीज का आईपी एड्रेस है? कौन बताएगा, हाथ उठाइए। लोकल होस्ट क्या है सर? लोकल होस्ट, आपकी आवाज तो नहीं आ पा रही है, कोई आगे से बताएगा क्या है लोकल होस्ट? सिस्टम का आईपी एड्रेस है, लेकिन ये सिस्टम के किस पार्ट का आईपी एड्रेस है सर? पूरा सिस्टम यहां पर रखा हुआ है। अगर मैं कहूं कि ये मेरे सिस्टम में क्या VGA का ड्राइवर को सपोर्ट करता है, या फिर मेरी LCD के ड्राइवर को सपोर्ट करता है, या मेरे कीबोर्ड के ड्राइवर को, या टच पैड के, तो क्या कहेंगे आप? इथरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये मेरे लोकल एरिया नेटवर्क का है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब मैं किसी वेबसाइट को अपने लैन पे ही ब्लॉक कर दूंगा तो वो मेरे सिस्टम पर ओपन ही नहीं होगी। तो ब्लॉक करने का मेथड आप सबने देख ही लिया होगा, कुछ नहीं करना है, यहां पर आके आईपी एड्रेस लिखना है 127.0.0.1 और इसके सामने लिख देना है, आजकल फेमस वेबसाइट है, जो भी चाहता है वो इसी को ब्लॉक करना चाहता है अपनी कंपनी में, क्योंकि आधे इंप्लॉइज को काम नहीं करने देती है ये वेबसाइट। इसको सेव कर दीजिए, ये वेबसाइट आज के बाद इस सिस्टम पर नहीं खुलेगी और ये मैन्युअली जाके आपको हर सिस्टम पर इंप्लीमेंट करनी होगी। पहले राउटर पे हम वेबसाइट को ब्लॉक करेंगे और फिर हर सिस्टम पे कर देंगे। अब कोई इस पर प्रॉक्सी लगा के भी इसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। क्लियर? बात दोबारा से बताओ। यस, हेलो, द लोकल होस्ट में माय कंप्यूटर, लोकल होस्ट में माय कंप्यूटर, लोकल होस्ट माय लोकल एरिया नेटवर्क, हाउ डू आई नो दैट इट इज नॉट विजिबल? प्लीज अगेन सर, हाउ डू आई नो द लोकल होस्ट ऑफ माय लोकल एरिया नेटवर्क, हाउ डू आई आइडेंटिफाई दैट? Like UR is 127.0.0.1. Okay, मैं बताता हूं आपको कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके लोकल होस्ट का एड्रेस यही है जो मैंने बताया। एक बात बताइए, अभी इंटरनेट चल रहा है यहां पे? कोई बताएगा इंटरनेट चल रहा है मेरे सिस्टम पे? नहीं चल रहा है। आपने एक पिंग कमांड का नाम सुना होगा, हम रन पे जाके अगर मैं नहीं सर, आंसर आपको तो मिल गया है, लेकिन आपके आंसर में सबको बताना चाहूंगा। मैं अगर यहां पर एक चीज को पिंग करता हूं, मैंने लिखा पिंग स्पेस google.com,
मैंने लिखा google.com और कंटिन्यूअस रिप्लाई पे लगाते हैं स्पेस माइनस टी के बाद। यहां पर कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा है। लेकिन अगर इस टाइम भी कोई चीज मेरे कंप्यूटर पर मुझे रिप्लाई देती है तो इसका मतलब वो मेरा लैन कार्ड है, मेरा लोकल होस्ट है, मेरा इथरनेट कार्ड, राइट। तो जरा उस आईपी एड्रेस को हम यहां पर पिंग करके देखते हैं कि क्या वो रिप्लाई दे रहा है। स्पेस माइनस टी लगाया मैंने कंटिन्यूअसली रिप्लाई के लिए, रिप्लाई आ रहा है सर। और एक बात और बता दूं, कई लोग जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उनके सिस्टम में लैन का ड्राइवर नहीं होता है और वो ये पता भी नहीं लगा पाते कि वहां पर लैन का ड्राइवर है भी या नहीं। तो वो अगर एक बार इस आईपी एड्रेस पर पिंग करेंगे तो लैन कार्ड को चेक करने की कमांड है ये। अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इथरनेट का जो कंट्रोलर है वो खराब हो गया है, जब यहां से रिप्लाई आना बंद हो जाएगा तो ये समझ लीजिए आपका लैन कार्ड का जो ड्राइवर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और इंटरनेट के लिए प्रॉब्लम यहीं से आ रही है, क्योंकि पहली कनेक्टिविटी आपके लैपटॉप से ही शुरू होती है इंटरनेट की, क्योंकि पहले यहां, फिर राउटर, फिर आईएसपी। क्लियर है वे? चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल में बढ़ते हैं। सर इंटरनेट नहीं चल पा रहा है लैपटॉप पे, प्लीज होल्ड कीजिएगा। मैं आपको एक बार आपका नेटवर्क स्कैन करके दिखाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है मेरे को। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को मैं एक नेटवर्क की बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी कंपनी में 50 इंप्लॉई है तो मैं हर एक के लैपटॉप पे जाके या डेस्कटॉप पे जाके ये नहीं देख सकता कि वो कौन सी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने कैबिन में बैठ के तो ये देख सकता हूं ना कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं आपको वही सिखाना चाह रहा हूं, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी की प्राइवेसी में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं सीनियर हूं तो मैं कर सकता हूं। आवाज नहीं सर। एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई सीनियर सामने खड़ा होकर कोई कंप्यूटर को चला रहा हो तो उसकी एक एक एक्टिविटी आपके लिए सीखने वाली है। अगर मैं यहां पर खड़ा होकर एक भी कमांड चला रहा हूं और आपने यहां पर देख लिया तो सर कहीं ना कहीं जरूर काम आने वाली है ये कमांड। तो मेरी आवाज पे नहीं, मेरे स्टेप्स पे ध्यान दीजिए। दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं पिंग कर रहा हूं google.com को, रिप्लाई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं हुई है, परफेक्ट। मैं यहां पर जो भी कर रहा हूं वो एक नेटवर्क एडमिन के स्टेप्स हैं। चलिए, सचिन सर ने आपको बताया कि विंडोज का पासवर्ड, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो विंडोज के पासवर्ड में होती है, 90% जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम का स्टार्टिंग ही है। सर ने बताया कि बहुत सारी सीढ़ियां हैं, लेकिन सर ने जितनी भी सीढ़ियां बताई कोई गारंटी लेता उनमें से कि विंडोज 7 का पासवर्ड ब्रेक करेंगी वो? जी कौन बूट नहीं करता सर, कौन बूट करता क्या है एक्चुअली, क्योंकि पासवर्ड बाईपास करता है, ब्रेक करता है या चेंज करता है? कौन बूट पासवर्ड को बाईपास करता है ना सर, कौन बूट विंडोज 7 का पासवर्ड बाईपास नहीं करता, 2.1 करेगा, बिल्कुल सही। एक बात बताइए, जितने भी सॉफ्टवेयर के नाम आपने लिखे हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हर विंडोज का पासवर्ड ब्रेक करते हैं, लेकिन वर्जन आपके पास अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ओल्ड वर्जन लिया है तो विंडोज 7 पे वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ विंडोज एक्सपी के लिए बना है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी अब लग रही है कि परफेक्ट सी हो गई, इंटरनेट चल गया है, पता लग गया कैसे चेक करते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी। अब देखिए जरा एक प्रॉब्लम आ गई है, एक नेटवर्क एडमिन की प्रॉब्लम है ये कि मैं जब भी यहां पर google.com लिख के एंटर कर रहा हूं तो ये चार बार रिप्लाई तो देता है लेकिन मेरा कनेक्शन बीच में ब्रेक हो रहा है, टाइम आउट आया, कनेक्शन ब्रेक है। तो जब भी एक नेटवर्क एडमिन अपने नेटवर्क को स्कैन करता है तो वो कभी भी पिंग कमांड को सिंपल नहीं चलाता, स्पेस माइनस टी के साथ चलाते हैं। अब ये कंटिन्यूअसली रिप्लाई देगा और जहां भी कनेक्शन ब्रेक होगा
यहां सामने लिखाएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, एरर है रिक्वेस्ट टाइम आउट, अब कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। चलिए टॉपिक है नेटवर्क स्कैनिंग, एक नेटवर्क को कैसे स्कैन किया जाए। रिक्वायरमेंट बता देता हूं क्या है इसकी। मैंने पहले ही कहा कि अगर मेरी कंपनी में 50 इंप्लॉइज हैं और मैंने पहले ही कहा कि मैं हर एक के लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे जाकर ये नहीं देखना चाहता कि कौन क्या कर रहा है और किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस टाइम पर यह पता करना चाहता हूं कि क्या 50 इंप्लॉइज मेरी कंपनी में जो काम करते हैं वो आ चुके हैं या नहीं। जिसका सिस्टम ऑन है वो फिलहाल प्रेजेंट है और जिसका सिस्टम ऑफ है वो कंपनी में रहकर भी मेरे लिए एब्सेंट है, राइट। चलिए मैं सिस्टम्स को स्कैन करके भी ये पता लगा सकता हूं कि क्या 50 इंप्लॉइज के 50 कंप्यूटर वर्किंग है या नहीं। सॉफ्टवेयर का नाम है कीन एनेबल, CAIN कीन, ABLE एबल, कीन एंड एबल। नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है और इससे बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं है नेटवर्क को स्कैन करने के लिए। चलिए देखिए कैसे, पीछे दिखाई दे रहा है सबको ये प्रोजेक्टर, कोई बात नहीं सर आवाज सुन लीजिए। घर पे जाके सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि आजकल कुछ भी सीखने के लिए गूगल से और यूट्यूब से बढ़िया कोई चीज नहीं है, तो एक बार इस सॉफ्टवेयर को वहां पर जाकर डेमोस्ट्रेट कर लीजिएगा, आपको बढ़िया सा एक वीडियो मिल जाएगा मेरा ही अपलोड किया हुआ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो किए हुए अपलोड आप लोगों के लिए। भाई सबसे पहले जब मैं किसी चीज को लॉन्च करता हूं, किसी सॉफ्टवेयर को चलाता हूं, तो मेरे लैपटॉप के अंदर दो पार्ट्स होते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, एक लैन और एक डब्ल्यू लैन। क्लियर, लैन और डब्ल्यू लैन। तो फिलहाल मैं लैन से कनेक्टेड हूं या डब्ल्यू लैन से, कौन बताएगा? डब्ल्यू लैन से। तो इंटरफेस को सिलेक्ट करने के लिए मुझे डब्ल्यू लैन सिलेक्ट करना होगा। तो आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर जो आईपी एड्रेस आ रहा है 192.168.1.3 वो तो लैन का है ऑब्वियसली। तो नीचे वाला जो 00 है वो कुछ बैन को कर रहा है, क्योंकि 00 है वहां पर अभी कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है। तो हो सकता है आपके कॉलेज में कोई सिक्योरिटी हो तो आईपी एड्रेस के बिना ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना आईपी एड्रेस के कोई सिस्टम चल जाए, लेकिन यहां पर अभी अपडेट नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर तो इसलिए शो नहीं कर रहा है। तो मैं आपको श्योर कर दूं कि ऊपर वाला जो है वो लैन है और उससे नीचे जो है वो डब्ल्यू लैन। तो इस टाइम मैं डब्ल्यू लैन को सिलेक्ट करता हूं। स्निफिंग को स्टार्ट किया मैंने, ऐसा भी होता है कि चलिए कई बार ऐसा भी होता है अगर नेटवर्क पे किसी ने फायरवॉल लगाया हो तो वहां पर सिस्टम की स्कैनिंग नहीं हो पाती है। तो अगर ये स्कैनिंग को सक्सेसफुल नहीं भी करता है तो ये आपके कॉलेज में एक सिक्योरिटी है, बहुत अच्छी बात है। नेटवर्क एडमिन हर कॉलेज में होना चाहिए और किसी की सिक्योरिटी को ज्यादा इंटरफेयर करना भी अच्छी बात नहीं है। तो देख रहे होंगे आप स्कैनिंग चल रही है यहां पर नेटवर्क की, कितने सिस्टम कनेक्टेड हो सकते हैं एक नेटवर्क से, कौन बताएगा? सर बैठ के आंसर देना तो फिर दिखाई नहीं देगा किसने दिया आंसर, प्लीज कौन बताएगा एक नेटवर्क से मैं कितने सिस्टम कनेक्टेड कर सकता हूं? कोई नहीं। चलिए लैन के केस में बताता हूं मैं आपको, एक नेटवर्क के थ्रू मैं 254 सिस्टम कनेक्टेड कर सकता हूं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क थ्रू केबल, एक केबल के थ्रू मैं 254 सिस्टम्स को कनेक्टेड कर सकता हूं। ये आईपी एड्रेस की रेंज दे सकता हूं मैं सिर्फ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक वाईफाई के थ्रू मैं कितने सिस्टम अटैच कर सकता हूं, ये तो लैन का था ना सर, वाईफाई के थ्रू बताइए। सेम 254, क्योंकि चेंजमेंट सिर्फ लास्ट में होता है स्टार्टिंग में नहीं। 192.168.0.2
2254, क्योंकि लैन जो है वो यहां पे गेटवे, इसको गेटवे का मार्क्स बोलते हैं। आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने वन नहीं लिखा है, वन किसके लिए छोड़ दिया है जी बताइए। मैंने यहां पर 192.168.1.1 नहीं लिखा है, मैंने 2 से स्टार्टिंग की है। जी चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको, बैठिए। अगर जी जब मैं एक इंटरनेट का केबल अपने एक स्नैरियो बनाता हूं मैं यहां पर, और पूरी नेटवर्किंग का जो कहिए कि मेन पार्ट है वो सिर्फ इस डायग्राम में छुपा है, जिसको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा, समझ लीजिए उसकी 90% की जो नेटवर्किंग है वो मैंने 2 मिनट में कंप्लीट कर दी है। प्लीज, क्योंकि मैं आप लोगों को यहां पर सीसीएनए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को यहां एमसीएससी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सीसीएनपी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को वो पढ़ा रहा हूं जो मैंने इन तीनों में से मेन चीज सीखी, ठीक है। चलिए मैंने यहां पर एक बॉक्स बनाया, ये सबको विजिबल है, ये तो विजिबल होगा, इसको बोल दीजिए आईएसपी। थोड़ी सी पेंट में मेरी राइटिंग खराब है तो प्लीज समझ आइएगा, मैंने इसको बोल दिया आईएसपी, ये मेरा आईएसपी है। आईएसपी क्या है, कोई फुल फॉर्म बताएगा आईएसपी की? सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सबको पता है, जहां से हमें इंटरनेट मिलता है, जहां पर हम हमेशा कस्टमर केयर को फोन करते रहते हैं कि सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, ये वही है। तो आईएसपी मुझे सिर्फ एक केबल देता है, एक केबल के थ्रू इंटरनेट आता है, कॉलेज हो, घर हो, या फिर कोई भी ऑफिस हो। कोई बताएगा कि ये केबल मेरे ऑफिस में आते ही सबसे पहले कहां कनेक्ट होता है? कौन बताएगा, कौन बताएगा? आवाज नहीं, सिर्फ हाथ उठाना है, बताइए सर। यहां से मॉडेम से, मॉडेम से, सर्वर से। सर्वर का नाम क्या है सर? सर्वर को कोई डिवाइस का कोई नाम होना चाहिए ना, राउटर, बिल्कुल सही। अगर मैं एक ऑफिस की बात करूं तो ये राउटर से कनेक्टेड है, लेकिन अगर मैं इसके बीच में अपने घर को और ऐड कर दूं तो सबसे पहले ये मेरे फोन से कनेक्टेड होगा, MTNL, लैंडलाइन या फिर एयरटेल, जो भी है, क्योंकि वो मुझे लैंड केबल नहीं देते, वो मुझे मेरी फोन की केबल में से इंटरनेट निकाल के देते हैं, पता है ये सबको। तो मैं स्नैरियो में एक फोन को बीच में ऐड कर रहा हूं आपके घर के लिए, बाकी स्नैरियो अगर फोन को हटा दिया जाए तो डायरेक्ट ऑफिस में आ रहा है राउटर पे। मैंने यहां पर लिखा फोन, पीएस लगा दिया, इसको बोलते हैं राउटर, राउटर में आया इंटरनेट। कोई बताएगा राउटर के बाद इंटरनेट कहां जाता है? क्योंकि जब भी आप कोई ट्रबल शूटिंग करेंगे तो आपको बस ये पता लगाना है कि इंटरनेट किस डिवाइस तक एक्टिव है और किस डिवाइस के बाद उसकी एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब वही प्रॉब्लम है। सिंपल सा सॉल्यूशन है। मेरे नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सबसे पहले वो डिवाइस ढूंढता हूं जहां लास्ट टाइम तक इंटरनेट की एक्टिविटी है, और उसके बाद मैं शॉर्ट आउट शुरू करता हूं। बताइए अगला डिवाइस क्या है राउटर के बाद? रॉन्ग जी, स्विच, स्विच, या हाँ बिल्कुल सही, लेकिन आपके घर में स्विच नहीं होता है। अगर मैं यहां घर की बात करूं तो आप यहां पर डायरेक्ट पीसी लगा दीजिए, क्योंकि घर में हम नॉर्मली एक ही कंप्यूटर चलाते हैं, तो ये मेरा पीसी हो गया, ये आपके घर के अंदर एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। और घर के अंदर जो हम आईपी एड्रेस यूज करते हैं वो नॉर्मली हम कौन सा होता है, जो घर के अंदर हम इंटरनेट चलाने के लिए आईपी एड्रेस यूज करते हैं कौन सा होता है, कोई बता सकता है? क्योंकि एक सेकेंड होल्ड कीजिए,
40% की जो नेटवर्किंग है वो सिर्फ आईपी एड्रेस पे डिपेंड करती है। अगर आपने आईपी एड्रेस के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप किसी भी सिस्टम पर बैठकर किसी भी नेटवर्क में बैठ के उसकी आईपी एड्रेस को इजीली डिफाइन कर सकते हैं तो समझ लीजिए आपकी 40% नेटवर्किंग क्लियर है। और अगर मैं आपको एक इंटरनेट का केबल दे दूं और मैं कहूं लीजिए सर इस केबल के ऊपर इंटरनेट परफेक्ट चल रहा है आप अपने सिस्टम पर लगाइए और चला लीजिए, तो आप चला नहीं पाएंगे अगर आईपी एड्रेस क्लियर नहीं है तो, क्योंकि आप आईपी एड्रेस डाल नहीं पाएंगे। तो कोई बताएगा घर पे जो हम इंटरनेट चलाते हैं वो कौन से आईपी से चल रहा होता है, स्टैटिक या डायनेमिक? हिंट दे देता हूं, डायनेमिक नहीं सर, घर पे जो हम चला रहे होते हैं वो डायरेक्ट स्टैटिक से चल जाता है। डायनेमिक मैं उस सिचुएशन में डिवाइड करता हूं जब मुझे मोर देन वन कंप्यूटर चलाने होते हैं, क्योंकि जब मैं दो कंप्यूटर चलाऊंगा तो आपने सुना होगा कि दो सिस्टम्स का आईपी कभी सेम नहीं हो सकता, और अगर मेरे पास स्टैटिक आईपी हमेशा एक होता है और डायनेमिक का मतलब ही चेंजेबल होता है। डायनेमिक चेंजेबल है, डायनेमिक चेंजेबल है या फिक्स है? चेंजेबल है। और स्टैटिक सर? स्टैटिक भी चेंजेबल है। चलिए मैं आपको स्टैटिक भी चेंज करके दिखा दूंगा और डायनेमिक भी चेंज करके दिखा दूंगा, मैं आपको मैक एड्रेस भी चेंज करके दिखा दूंगा। मैक एड्रेस सुना है किसी ने? मैक एड्रेस भी चेंजेबल है। चलिए अगर मैं अपने ऑफिस, ये तो घर पे अगर आ गया मैं डायरेक्ट, अगर मैं इस राउटर से एक ऑफिस में जाऊं तो यहां पहले मैं एक स्विच को कनेक्ट करूंगा। स्विच सिंपल एक ऐसी डिवाइस है जो मुझे इंटरफेस देता है कि मैं वहां पर बहुत सारे लैन के केबल कनेक्ट कर सकूं। ये लीजिए बहुत सारे लैन के केबल कनेक्ट कर सकता हूं मैं इसके अंदर, और मैं आराम से अपने 254 सिस्टम कनेक्टेड कर सकता हूं एक स्विच के थ्रू। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपने MTNL का जो इंटरनेट लिया हुआ है और मैं आपके पड़ोस में रहता हूं, मैंने कहा सर आप एक काम कीजिए आप तो बिल भरते हैं, आपने इंटरनेट में से एक केबल मुझे भी दे दीजिए, ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, सिर्फ मुझे एक स्विच लगाना है। क्लियर है? और इसके बाद आता है ऑफिस के अंदर पीसी। ये ऑफिस का सिनेरियो था। अब अगर मैं टेस्टिंग करना शुरू करूं, यहां पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, मेरे सिस्टम पे इंटरनेट नहीं चल रहा, मुझे सिर्फ इतना पता है, बाकी की जो टेंशन है वो नेटवर्क एडमिन की है, मुझे सिर्फ आवाज लगानी है, नेटवर्क एडमिन ने आना है और जो भी ट्रबल शूटिंग है वो उसने करनी। कोई बताएगा सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब मेरे सिस्टम पर इंटरनेट नहीं चल रहा होता है तो? जी वार्निंग साइन आता है यहां पर, एक तो येलो सा आइकन आ जाता है, इसका मतलब है इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं चेक करने के लिए कनेक्टिविटी, सिर्फ उसको सिंबल देख के सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा। जी पीसी की लैंड डिवाइस को चेक करते हैं। सर लैंड को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर आकर के सबसे पहले पिंग करते हैं, हम इसे पिंग किया मैंने, मैंने लिखा 192.168.1.1। कहां जाएगा रिप्लाई? राउटर पे, यहां पे आएगा रिप्लाई। और अगर यहां से रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब इंटरनेट रिप्लाई आ गया तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी मेरे राउटर से मेरे सिस्टम पर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब मेरे केबल में ही कहीं प्रॉब्लम है, राउटर से लेकर केबल तक सिर्फ आपके ऑफिस के अंदर का मैटर रह गया। एक तो मैं आपको ये कहूं कि आपने एक केस सॉल्व करना है, एक पर्सन को ढूंढना है अपने इस सेमिनार हॉल के अंदर, और मैं अगर थोड़ी सी और प्रॉब्लम बढ़ा दूं, मैं कहूं वो पर्सन एक्चुअली आपके कॉलेज में आ गया, पूरे कॉलेज में ढूंढना है, फिर मैंने कहा नहीं वो कॉलेज से बाहर निकल गया, पूरे दिल्ली में ढूंढना है, फिर मैंने कहा नहीं वो दिल्ली से बाहर चला गया, एक्चुअली वो इंडिया में आ गया, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए हम क्या करते हैं प्रॉब्लम को बिल्कुल नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम ये चेक करेंगे कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी मेरे ऑफिस में है या नहीं। अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी मेरे ऑफिस में ही नहीं है तो वो आपका नेटवर्क एडमिन सॉल्व नहीं कर सकता सर, वो तो ISP पे कस्टमर केयर पे कॉल जाएगा, क्योंकि फिर उनका इशू है। ठीक है? तो मुझे सिर्फ तो इसका मतलब मेरा रोल यहां तक है, ये है मेरा क्राइटेरिया, राइट? यही है क्राइटेरिया। तो इसका मतलब नेटवर्किंग, अगर मैं एक कंपनी लेवल पे नेटवर्किंग को सीखना चाहूं तो मुझे सिर्फ एक राउटर से लेकर के और अपने पीसी तक की जो ट्रबल शूटिंग है वो करनी है। नेटवर्किंग को हमने थोड़ा इजी बना दिया है यहां पर। ठीक है? तो पिंग करके देखते हैं जरा, जो अभी हमने
लिखा है यहाँ पे, रिप्लाई आ रहा है लेकिन डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, कोई बता सकता है क्यों? क्यों आ रहा है ये? कोई नहीं, क्योंकि जी सर सर्वर पे सिक्योरिटी डाली है, मैंने पहले ही कहा कि एक फायरवॉल होती है, सर्वर पे सिक्योरिटी होती है, वहां से चीजें ब्लॉक होती हैं, अनब्लॉक होती हैं, आईपी एड्रेसेस को ऐड किया जाता है, उन्हें वहीं से परमिशन दी जाती है। अगर आपका नेटवर्क एडमिन चाहे तो यहां पर 50 लैपटॉप रख दीजिए और 50 को वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए, वो अगर चाहे तो पर्टिकुलर एक सिस्टम पे ही सारे एक्सेस दे सकते हैं कि फेसबुक बीच में चल रहा है लेकिन चारों तरफ जो लैपटॉप रखे हैं किसी पे नहीं चल रहा है। तो ये नेटवर्किंग है, ठीक है, एक नेटवर्क को स्कैन करने की कोशिश, क्लियर है ये सिनेरियो? एक नेटवर्क को स्कैन करने की कोशिश कर रहे थे हम पीछे, देखते हैं वहां पर क्या हुआ है। कुछ सिस्टम स्कैन हुए हैं लेकिन ये स्कैनिंग है वो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन सर इसके आगे जो मैं अभी आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी परमिशंस की भी कुछ फॉल्ट होता है, सारी परमिशंस एकदम से आप लोगों के सामने नहीं रखी जाती क्योंकि एक कमांड उसी के हाथ में दी जाती है जो उसके लिए कंपैटिबल हो। क्योंकि एक दिन एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, एक कॉलेज के अंदर मैं ऐसे ही सेमिनार दे रहा था तो स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा कि सर आप इतनी देर से खुद ही बोले जा रहे हैं, हमें मौका नहीं दे रहे। मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बढ़िया बात कही एक स्टूडेंट ने कि मौका देना चाहिए सबको। मैंने एक स्टूडेंट को मौका दिया और उसने एक ऐसी लैंग्वेज यूज कर दी जो मतलब बिल्कुल मतलब यूजलेस, कोई मीनिंग नहीं उसका, आंसर इतना थर्ड क्लास, कोई मीनिंग नहीं उसका। तो फिर मैंने वहीं पर अपनी जो सेमिनार था उसमें एक बाउंडेशन लगा दी कि इसका मतलब मैं जो आप लोगों को चीजें सिखाता हूं वो एक इस लेवल की होनी चाहिए कि आप उसका सिर्फ यूज कर सकें, चाहकर भी मिसयूज नहीं, ठीक है। तो कॉलेज के अंदर जब तक आप हैं सिक्योरिटी के बारे में सोचिए, बाहर जाएं किसी कैफे में जाकर प्रैक्टिस कीजिए आराम से, कैफे वाले की टेंशन है, वो अपने आप इंटरनेट चलाएगा, आपने सिर्फ वहां पर 20 रुपए देने हैं और अपनी पूरी नेटवर्किंग की प्रैक्टिस करके आ जानी है, ठीक है। चलिए आईपी एड्रेस पे आते हैं, 40% की नेटवर्किंग मैंने कहा था आईपी एड्रेस पे डिपेंड करती है, एक चैप्टर और डिस्कस करेंगे आज हम ये आईपी एड्रेस का। जी कितनी तरह के होते हैं आईपी एड्रेस? दो तरह के, स्टैटिक और डायनेमिक। कोई बताएगा कैसे चेक करते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस? हाउ टू चेक डायनेमिक आईपी एड्रेस? कोई नहीं, चलिए रन पे जाता हूं, सीएमडी ओपन करते हैं। लेकिन आप लोगों के सिस्टम पे तो आपने सीएमडी ही लिखना है, लेकिन मैंने रिप्लेस किया है इसलिए SETHC है मेरा। सीएमडी पे जाके यहां पर लिखना है आईपी कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग मैंने टाइप किया। इस टाइम मेरा जो सिस्टम है वो वैन से कनेक्टेड है, WLAN से सॉरी, तो मैं यहां पर लोकल एरिया नेटवर्क का आईपी एड्रेस चेक नहीं करूंगा, मैं यहां पर चेक करूंगा वायरलेस लैन, क्लियर। यहां पर बहुत सारे एडेप्टर शो करता है, ये देख पा रहे होंगे आप, तो प्लीज यहां पर आप